नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कोविड-19 महामारी के चलते 5.5 महीने से बंद पड़ी देश के 18 शहरों की 12 मेट्रो ट्रेनों का संचालन अब 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की मेट्रो और मोनो रेल को चलाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है, जबकि दिल्ली मेट्रो रेल का 3 स्टेज के 5 चरणों में संचालन होगा। 7 सितंबर को येलो लाइन और गुड़गांव की रैपिड मेट्रो चलेगी, जबकि 9 सितंबर को ब्लू लाइन की मेट्रो ट्रेनें दौड़ना शुरू हो जाएंगी। कोरोना काल में मेट्रो में अब सफर के नए नियम क्या होंगे और कैसे आप दिल्ली मेट्रो के सफर का आनंद ले पाएंगे, ये पूरी डिटेल जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुलकित नागर। दिल्ली के लाखों लोगों को हर दिन सफर कराने वाली मेट्रो एक बार फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन कुछ नए बदलाव के साथ। कोरोना काल के अंदर, कोरोना के वक्त के अंदर जो नए बदलाव किए जाएं, वो मेट्रो के गेट पर ही लिख दिए गए हैं कि आखिर आप कैसे मेट्रो का नया सफर करेंगे। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मास्क पहनना जरूरी बताया गया है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, थर्मल स्कैनिंग के बाद एंट्री होगी, स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करें पैसे के लेन देन के लिए, यानी कि टोकन सिस्टम जो पहले कैश लेकर आप करते थे वो नहीं होगा, सामाजिक दूरी का पालन करें, ये सबसे अहम इस बार मेट्रो के अंदर रहेगा। इसके लिए मार्किंग की गई है अलग अलग जगहों पर, एक सीट छोड़कर बैठें और पहले यात्री को उतरने दें, उसी के बाद में दूसरे यात्री चढ़ें। और कोविड के लक्षण अगर देखे जाते हैं थर्मल स्कैनिंग के दौरान तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। ये इस बार बदलाव होंगे जो कोरोना के वक्त लगातार सरकार कह रही थी मेट्रो के अंदर वो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इससे ज्यादा खुशी इस बात को लेकर कि 5.5 महीने बाद एक बार फिर मेट्रो चलने वाली है, और इन तमाम चीजों का सीढ़ियों के जरिए आप नीचे उतरेंगे और मेट्रो तक पहुंचेंगे। दिल्ली में सफर करने के लिए सबसे अहम मानी जाती है मेट्रो, तमाम सुविधाओं से लैस होती है, और यही वजह है कि जो लोग अपने ऑफिस जा रहे थे वो लगातार मेट्रो को याद कर रहे थे, मेट्रो के सफर का इंतजार कर रहे थे, इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द मेट्रो दोबारा से शुरू हो। अनलॉक 4 के बाद अब मेट्रो दोबारा से शुरू होने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी लगातार ये बात कह रहे थे कि दिल्ली में तमाम चीजें खुल गई हैं तो मेट्रो को भी खोल देना चाहिए, तो अब मेट्रो खुल रही है। 7 तारीख से येलो लाइन की शुरुआत होगी। हम आज आपको अपने इस प्रोग्राम के जरिए मेट्रो की वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे जो 7 सितंबर से आप मेट्रो के सफर के दौरान देखेंगे, और किस किस चीज का आपको पालन करना है, किस किस चीज को लेकर सावधानी बरतनी है, ये तमाम चीजें हम आपको आज दिखाएंगे। मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले जो देखा जाएगा वो ये कि क्या आपने मेरी तरह मास्क लगा रखा है या नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे पहले ही लिख दिया गया है। दूसरा बदलाव जो आप मेट्रो स्टेशन पर देखेंगे वो लिफ्ट में देखेंगे। पहले आप लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट को बुलाया करते थे, लेकिन अब ये सिस्टम बंद हो गया है। मेरे कैमरा पर्सन पवन आपको दिखाएंगे कि अब ये पैर से ऑपरेट होगी, इस तरीके से आप पुश करेंगे और उसके बाद में लिफ्ट नीचे आएगी, यानी कि अब हाथों का इस्तेमाल नहीं होना। देखिए, आप देखेंगे लिफ्ट नीचे आ गई, पैर से बटन दबाने के बाद हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। एक चेतावनी जो यहाँ लिखी है वो ये, पहले एक तस्वीर देख लीजिए कि लगातार लिफ्ट को साफ करने का काम भी इसी तरीके से चलता रहेगा। दूसरी तस्वीर ये देख लीजिए कि एक बार में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही अनुमति दी जाएगी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जब आप यहाँ पहुंचे तो अपने आप ही इन नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो ये हो सकता है कि आपकी मेट्रो आपको ना मिले, यानी कि वो स्टेशन पर ना रुके और आगे चली जाए। इस तरीके से लिफ्ट को सैनिटाइज करने का काम मेट्रो की तरफ से लगातार किया जाएगा, ताकि जो भी टच इन तमाम चीजों को करता है उसके बाद में यहाँ पर संक्रमण का कोई खतरा ना बचे, इसीलिए इस लिफ्ट को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन जो सबसे अलग चीज थी वो ये बटन जो इस समय पैर से दबाया जाएगा, पहले ऊपर हुआ करता था, आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब पैर से इसे ऑपरेट करेंगे और सिर्फ एक लिफ्ट में 3 ही लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी। तो कोशिश करें कि उन 3 लोगों में बुजुर्ग हो, बच्चे हो या महिलाएं हो, यदि आप युवा हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, आसानी से जाए, क्योंकि इस लिफ्ट के बाहर लंबी लाइन भी लग सकती है, क्योंकि यदि 3 लोग मौजूद होंगे। उसके बाद में दूसरी तस्वीर देख लीजिए, सैनिटाइजर
सैनिटाइजेशन का काम लगातार चलता रहेगा। इन कैमरों के जरिए, ये जो कैमरे हैं बड़े बड़े, इनके जरिए आप पर निगाह भी रखी जाएगी। और ये कल साफ कर दिया गया कि अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, तो ये हो सकता है कि आपकी मेट्रो आपकी आंखों के सामने से निकल जाए। लेकिन रुके ना और उसके दरवाजे आपके लिए खुले ना। जब आप यहाँ पे आएंगे तो थर्मल स्कैनिंग होगी, आप चाहे माथे पर भी लगा सकते हैं और आजकल हाथ के जरिए भी ये जाँचा जा रहा है कि आपका टेम्परेचर कितना है। यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए मशीन लगी रहेगी। यहाँ आप आएंगे तो इस मशीन में अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं और उसके बाद में आप इस रूट से आगे चले जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको मेट्रो स्टेशन की दिखा रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि आपका सफर कितना सुरक्षित होगा, संक्रमण ना फैले, इसके लिए मेट्रो ने क्या क्या उपाय किए हैं। तमाम जगहों पर चेतावनी लगा रखी है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इस तरीके से मेट्रो आपके सफर को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मांग तो उठ रही है काफी समय से कि मेट्रो शुरू की जाए, लेकिन जिस मेट्रो में लाखों लोग सफर करते हैं उनकी सुरक्षा की चिंता भी है। ऐसे में उनको कैसे सुरक्षित सफर दिया जाए, इसके लिए मेट्रो ने कई कदम उठाए हैं। उन तमाम कदमों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि आप ये समझ पाएं कि आने वाले दिनों में आपको मेट्रो में सफर किस तरीके से करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और जो जिम्मेदारी आपकी है उनका भी ध्यान आपको रखना है। ये तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। अब आगे लिफ्ट के बाद में अगला पड़ाव, आपके पास जाहिर तौर पर बैग होते हैं तो बैग को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम लगाया गया है ताकि आपके बैग के जरिए संक्रमण आगे ना पहुंचे। ये आप राजीव चौक यहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर राजीव चौक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और ये सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन माना जाता है दिल्ली का। बहुत यात्री हैं जो यहाँ से मेट्रो चेंज करते हैं और यहाँ से ही दिल्ली के कनॉट प्लेस में उतरते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम लगाया गया है ताकि आपके बैग के जरिए संक्रमण ना फैले। यहाँ ये उस बैग को सैनिटाइज करेंगे, उसी के बाद में उस बैग को लेकर आप मेट्रो में आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ अनाउंस लगातार किया जा रहा है, क्या अनाउंस कर रहे हैं ये आप बीच बीच में सुनते रहेंगे जब आप मेट्रो में सफर कर रहे होंगे, कि आपको चेतावनी दी जाती रहेगी कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को बार बार और किसी भी चीज को बिना वजह ना छुएं। अगर आपको जरूरत नहीं तो ना छुएं और कोशिश मेट्रो की तरफ से यह है कि अगर आप छूते हैं तो उसे भी लगातार सैनिटाइज किया जाए। जिस तरीके से आपकी बैग की चेकिंग पहले होती थी वो सुचारू रूप से होगी, यानी कि सुरक्षा का भी ध्यान उसी तरीके से रखा जाएगा, लेकिन अब जब बैग इसमें जाएगा उससे पहले उस बैग को सैनिटाइज कर दिया जाएगा ताकि संक्रमण ना तो सिक्योरिटी को हो ना इस मशीन के जरिए उन लोगों को पहुंचे जो यहाँ पहुंच रहे हैं। तब आप जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ से सुरक्षा के बीच से गुजरते हुए आपको यहाँ दोबारा चेक किया जाएगा। लेकिन इस बार अंतर देखिए, पहले जब चेकिंग होती थी तो पास से होती थी, इस बार एक रॉड बांध दी गई है इस डिटेक्टर के अंदर ताकि थोड़ी सी दूरी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये जो लोग हैं यहाँ उनको उनके जरिए भी संक्रमण ना फैले इसकी कोशिश की जाएगी। और दूर से इस तरीके से चेक किया जाएगा, आप चेक कर लीजिए। अच्छी बात यह है जब ये चेक कर रहे हैं कि मशीन को मुझसे भी दूर रखा गया है, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे टच हो रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और मेट्रो की इस बार सबसे बड़ी कोशिश यही है कि संक्रमण को फैलने से रोकना है। अहम जानकारी, अहम इसलिए कि आप समझ पाएं कि जब मेट्रो शुरू होगी तो सबसे पहले किस रूट पर चलेगी। ये आप येलो रूट देख रहे हैं, इस रूट को सबसे पहले खोला जाएगा। हालांकि ज्यादा परेशानी आपके सामने इसलिए नहीं आएगी कि बहुत जल्द ही दूसरे रूट्स भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन 7 सितंबर को जब पहले दिन मेट्रो चलेगी तो सबसे पहले हुड्डा सिटी सेंटर से ये समयपुर बादली तक वाला ये रूट खोला जाएगा, जिसे येलो रूट का नाम है, यानी कि येलो रूट को खोला जाएगा। और वक्त जो होगा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ये रूट खुलेगा, उसके बाद में शाम को 4 बजे से 8 बजे तक रहेगा। लेकिन 12 सितंबर से मेट्रो अपने
पुराने समय के हिसाब से यानी कि पूरे दिन के हिसाब से चलने लगेगी। शुरुआत में सिर्फ येलो रूट होगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके मेट्रो के दूसरे रूट्स भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन अगर रिव्यू में ये देखा गया कि परेशानी सामने आ रही है, लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर से दोबारा से मेट्रो को रोक दिया जाए। तो ये जानकारी इसलिए अहम है कि जब आप मेट्रो से सफर करें तो खुद नियमों का पालन करें, नहीं तो मेट्रो की रफ्तार एक बार फिर रुक सकती है। ये तस्वीर आपको सुकून पहुंचाएगी और ये भरोसा भी दिलाएगी कि मेट्रो सुरक्षा के साथ चल रही है, संक्रमण को फैलने से रोकने की सोच के साथ चल रही है। और एक बदलाव ये भी है कि पहले जो लोग यहाँ से अपना टोकन लेते थे, अब टोकन सिस्टम बंद कर दिया गया, यानी कि टोकन के जरिए आप सफर नहीं कर पाएंगे। अब आपको चाहिए होगा स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट कार्ड के साथ ही आपका सफर होगा। अगर अभी तक आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं था, आप टोकन के जरिए सफर करते थे, तो आप यहाँ पर आएंगे, अपना स्मार्ट कार्ड लेंगे, इन्हें पेमेंट करेंगे, डिजिटल पेमेंट यहाँ से होगी, या फिर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी इन मशीन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आपको स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद में आप सफर कर पाएंगे। यानी कि टोकन सिस्टम अभी मेट्रो में नहीं चलेगा, सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही आप सफर कर पाएंगे और उसके बाद में यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे। यानी कि 5.5 महीने बाद आपको फिर से ये तस्वीर दिखाई देगी जो आपको मेट्रो तक पहुंचाती है, वो रास्ता एक बार फिर खुल जाएगा। लेकिन जिसमें आप टोकन डालते थे इस मशीन के अंदर, अब ये बंद रहेगा, सिर्फ स्मार्ट कार्ड का ये जो एरिया है इसी का इस्तेमाल आपको करना होगा, इसमें टोकन नहीं चलेगा। जिन लोगों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, जो टोकन लेते थे अभी तक, वो एक स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं, डिजिटल पेमेंट करने के बाद यहाँ से आपको स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी इस बार सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। ये तस्वीर देख लीजिए, अंदर 5.5 महीने बाद आप अपनी मेट्रो की तस्वीर देख रहे हैं इंडिया न्यूज के जरिए और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए मेट्रो को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको 5.5 महीने बाद दिख रही है, हम आपको दिखा रहे हैं मेट्रो की तस्वीर। आम तौर पर आप इसमें सफर करते थे, लेकिन 5.5 महीने जो कोरोना का वक्त रहा उसने आपकी इस मेट्रो से दूरी बढ़ा दी। लेकिन अब आप देखिए कि ये फिर मेट्रो आपके लिए खुलने वाली है। दूरी बनाने के लिए एक स्टिकर लगाए गए हैं सीट्स पर, यानी कि पहले यहाँ पे 2 लोग बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाजत मिलेगी। इधर भी अगर आप देखेंगे तो सामने भी एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद में जो सीट ये थी, इसके अंदर पहले 7 लोग बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बैठेंगे, एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी कि 7 लोगों की सीट को 3 लोगों की सीट में बदल दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो के अंदर जो ज्यादा ध्यान देने की बात है वो सोशल डिस्टेंसिंग पर ही देने की बात है। इस मेट्रो को धोया गया है, आप जगह जगह पानी इस समय देख रहे होंगे, पूरा मेट्रो की सीट्स को धोया गया है। यानी कि ये संकेत है कि जब मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाएगी तो उसे सैनिटाइज किया जाएगा ताकि संक्रमण ना फैले किसी भी व्यक्ति के द्वारा। और यही वजह है कि पहले जो टाइम था मेट्रो का स्टेशन पर पहुंचने का, वो अब बदल जाएगा, वो करीब 5 से 7 मिनट का हो जाएगा। पहले करीब 2.5 मिनट का हुआ करता था जब आपके पास मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती थी, लेकिन अब सैनिटाइज करना पड़ेगा मेट्रो को। यही वजह है कि मेट्रो के पहुंचने का टाइम बदल गया है और थोड़ा वक्त लगेगा। ये आप देख रहे हैं पूरी सीट सैनिटाइज की गई है और ये हर वक्त होगा। यानी कि मेट्रो जब एक स्टेशन से खाली होगी, अपने मेन जगह पहुंचने के बाद एक स्टेशन से दूसरी जगह पे, तो उसे सैनिटाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा वक्त अब मेट्रो के आने में लगेगा। ये जो आप गेट देख रहे हैं अभी, जो अभी खुले हुए हैं, इस बात को साफ कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर अगर यहाँ सामाजिक दूरी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये दरवाजे मेट्रो के आपके लिए बंद हो जाएंगे। यानी कि मेट्रो अपने दरवाजे नहीं खोलेगी और इसके लिए वॉच किया जाएगा कैमरों के जरिए। आप जगह जगह कैमरे देखेंगे लगे हुए
इन कैमरों के जरिए ये देखा जाएगा कि आखिर कितनी दूरी का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। अगर उसमें सही नहीं पाया गया और ये देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो स्टिकर्स लगाए गए हैं उनका पालन नहीं हो रहा है तो उसके बाद में मेट्रो यहाँ नहीं रुकेगी। तो ये अब आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कोरोना से लड़ाई के दौरान सहयोग की जिम्मेदारी बनती है कि जब आप मेट्रो में सफर करने के लिए यहाँ आए तो खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें भी ये बात समझाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना जरूरी है। और मेट्रो आपकी इन तमाम चीजों पर नजर भी रखेगा और उसी के बाद इस दरवाजे को आपके अंदर आने के लिए खोलेगा जिसके बाद आप यहाँ से सफर कर पाएंगे। एक तस्वीर और देख लीजिए किस तरीके से मेट्रो की सफाई का काम बीच में चल रहा है, ये आज चल रहा है और मेट्रो वादा ये कर रही है कि ये आगे भी चलता रहेगा, यानी कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये सफाई का काम लगातार मेट्रो में चलता रहेगा। मेट्रो के अंदर भी इन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो आपको चेतावनी दी जाएगी, आपको बताया जाएगा और जो आम लोग यहाँ पर होंगे हो सकता है वो भी आपको अब टोकें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नियमों का पालन करें, क्योंकि मेट्रो ये फैसला आने वाले दिनों में ले सकती है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, अगर आप संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद नहीं करते हैं कि मेट्रो को आगे चलाया जाए या नहीं, ये एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा और उसी के बाद मेट्रो को दोबारा से सुचारू रूप से आपके लिए चलाया जाएगा जैसे कि आप पहले मेट्रो में सफर करते थे। 7 सितंबर से मेट्रो का सफर एक बार फिर से शुरू हो रहा है। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिनके जरिए आपका मेट्रो का सफर सुहाना होगा। सबसे पहले 7 सितंबर से 8 सितंबर तक सिर्फ येलो लाइन ही शुरू होगी, यानी कि येलो लाइन से ही आप सफर कर पाएंगे। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी और फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। उसके बाद 9 सितंबर से ब्लू लाइन को भी खोल दिया जाएगा और उसके बाद 10 सितंबर से ग्रीन और रेड और पर्पल लाइन को भी आपके लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। समय का बदलाव 12 सितंबर से होगा जब मेट्रो सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलेगी। तो जो जिस रूट का इस्तेमाल करता है वो ये जान ले कि कौन कौन सी लाइन कब कब खुलेगी। दूसरी बात, मास्क लगाना जरूरी है। मेट्रो में सफर करने के दौरान आपको मास्क लगाना जरूरी होगा, नहीं तो आपको स्टेशन पर ही रोक दिया जाएगा। अगर आप मास्क भूल जाते हैं तो भी आपको मेट्रो स्टेशन से मास्क मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ज्यादा पैसे देने होंगे। ये सुविधा मेट्रो के गेट पर आपको मिल जाएगी दाखिल होने से पहले। सैनिटाइजेशन का इंतजाम मेट्रो करेगा, आप कोशिश करें कि अपने साथ एक छोटी सैनिटाइजर की बोतल लेकर चलें। अगर आपके कहीं हाथ रखते हैं तो इसके जरिए आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। हालांकि मेट्रो स्टेशन पर भी सैनिटाइजर लगाए गए हैं ताकि आप सैनिटाइज करते रहें। तीसरी और अहम बात, सोशल डिस्टेंसिंग पर मेट्रो की नजर रहेगी, यानी कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो आप ये मान लें कि हो सकता है कि मेट्रो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए और आपको उसमें सफर करने को ना मिले। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लिफ्ट में एक वक्त में सिर्फ 3 ही लोगों को बैठने की यानी कि जाने की इजाजत दी जाएगी लिफ्ट के जरिए, तो कोशिश करें कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर जरूरी है तभी लिफ्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि लिफ्ट के जरिए सिर्फ 3 लोगों को ही इजाजत मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम जानकारियों के जरिए आपका सफर मेट्रो में सुहाना होगा, सुरक्षित होगा और कोरोना संक्रमण से